हे गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डीके में। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वह रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसे आप लोग RVNL के नाम से जानते हो। तो रेल विकास के अंदर आज के दिन आप लोग देखोगे एक गजब की रैली बनी है। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक फिर से थोड़ा बहुत टूटा और 2.5% की तेज़ी के साथ हमें जो अभी क्लोजिंग लेते नज़र आया है। और इस शेयर को लेकर मैं काफ़ी टाइम से बुलिश था और आपको बोला भी था कि भी देखो मंडे के दिन स्टॉक में एक अच्छा मौका मिलेगा अगर थोड़ा बहुत स्टॉक टूटे तो। और मंडे के दिन शेयर जो अभी आपको 122 रुपये के आसपास आते हुए नज़र आया था, क्योंकि मंडे के दिन जो टूटने के पीछे का रीज़न था OFS, ऑफर फॉर सेल, जो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए था। ठीक है, 121 के भाव पर जो शेयर बेचे थे 5.5 लाख के करीब, तो वही एक रीज़न था स्टॉक में गिरावट का मंडे के दिन। थोड़ी बहुत गिरावट फिर उसके बाद रिकवरी भी बन गई थी। अब यहाँ से आप लोग देखोगे 122 रुपये के आसपास आया, वहाँ पर एक ज़बरदस्त मौका था 119 का। मैंने आपको क्या बोला है, स्टॉप लॉस लीजिए। और ऊपर में टारगेट क्या बताया था, 128 रुपये का, और वो आज के दिन हमें अचीव होते हुए नज़र आ चुका है। जिस भी निवेशक ने 122 रुपये, 124 रुपये के, 123 रुपये के आसपास एंट्री ली इसके अंदर, ठीक है, उन्होंने शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे कुछ भी लगा लीजिए, उन्होंने आज अच्छा मुनाफा बनाया है। और यहाँ पर जो अभी ऐसे जब कोई भी निवेशक के कमेंट आते हैं कि हमने ये वीडियो देखकर पैसा लगाया, काफ़ी अच्छे लेवल्स बताए, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत कमेंट आई आज के दिन। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अगर आपने वीडियो देखकर पैसा लगाया, आपका पैसा यहाँ पर बना है। रिस्क और रिवार्ड अगर मैं देखूँ तो रिस्क मैं बहुत ज़्यादा कम लेकर चलता हूँ, ठीक है, और उन्हीं शेयरों के अंदर आपको बताता हूँ जहाँ पर अच्छा प्रॉफिट आने की संभावना हो। तो इस शेयर के अंदर 2-3 बार ये मौके बन चुके हैं, और अब ये मौका कब बने, देखो भाई, भागने के बाद जो शेयर खरीदता है ना वो यहाँ पर फंसता है, भागने के बाद खरीदेगा वो फंसेगा, भागने से पहले बॉटम पर उठाएगा ना वही पैसा बनाएगा। तो बॉटम कर आपने उठाया होगा तो अच्छी बात, अगर नहीं उठाया तो आगे मौका मिलेगा। तो चलिए अब इसके कल के लेवल्स देखते हैं, साथ में 12 तारीख को होने वाला बड़ा धमाका, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आएंगे, तो देखते हैं क्वार्टर वन से पहले क्या ये शेयर हमारा जो सेकंड टारगेट है 135 उसे ब्रेक कर पाएगा या फिर नहीं। तो चलो अब इसके कल के लेवल देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर वॉल्यूम की बात है तो लगभग 4.93 करोड़ की वॉल्यूम आई है, 127.15 रुपये के भाव पर क्लोजिंग लेते नजर आया है। तो चलो अब इसके पहले डाटा देखते हैं, उसके बाद इसके लेवल देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे डाटा की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी इसकी, 123.90 ओपन हुआ, 124.40, फिर स्टॉक ने लो लगाया 123.55 का, यानी स्टॉक प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे गया। उसके बाद जो हाई स्टॉक ने लगाया वो आप लोग देख सकते हो 129 रुपये का। दूसरी तरफ इरकॉन की बात है तो इरकॉन में भी आप लोग देखोगे 102 रुपये के आसपास बाइंग हमारी थी, और स्टॉक के ऊपर में आप लोग देखोगे 110 रुपये के प्लस आज निकला है, यानी 10% के करीब स्टॉक में तेजी बनी है, तो वहाँ पर भी एक अच्छा मौका था। यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट प्राइस के ऊपर एक बाय ऑर्डर लगा हुआ है लगभग 63,261 क्वांटिटी का। इस बाय ऑर्डर के चलते डिलीवरी पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो डिलीवरी भी आज के दिन आप लोग देखोगे लगभग 34% के करीब डिलीवरी भी ठीक ठाक उठी है, एक बाय ऑर्डर डिलीवरी भी ठीक उठी है। 4.49 करोड़ के करीब NSE के अंदर शेयर ट्रेड हुए हैं, जिनमें से 1.5 करोड़ के आसपास डिलीवरी के रूप में उठाए गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ से तो पॉजिटिव संकेत आ चुके हैं चार्ट पर, इसके क्या कुछ सपोर्ट वगैरह या फिर ऊपर में टारगेट वगैरह बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये शेयर काफ़ी टाइम तक हमें जो अभी एक रेंज में कंसोलिडेट करते नज़र आ रहा था, ठीक है। नीचे में सपोर्ट क्या था, 119 रुपये का सपोर्ट था स्ट्रॉन्गली, और सपोर्ट रेंज 119 से 121 के बीच में, तो 119 का सपोर्ट था ना, यही मैंने आपको बोला लेकर चलिए। और यहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद जो शेयर है ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाए, यही इसके अंदर एक नेगेटिव संकेत निकल कर आया है। अगर ये ऊपर में सस्टेन कर पाता तो शेयर में एक अच्छी रैली बनने के चांसेस थे, और ये शेयर आपको 135 के लेवल दिखा सकता है। अगर कल के दिन ऐसे में स्टॉक में गिरावट होती है तो नीचे में फिर से वही 120 का सपोर्ट, और अगर ऊपर में निकलता है शेयर ये इस लेवल को ब्रेक करके 28.5 के लेवल को ब्रेक कर देता है, फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 135 का हमारा अगला टारगेट है। और ये शेयर जब टूटा था ऊपर के लेवल से क्यों, क्योंकि भाई OFS यानी ऑफर फॉर सेल का जब अनाउंसमेंट किया था 5.36% स्टेक कंपनी के द्वारा बेचा गया था, उसकी वजह से गिरावट आई थी, और ये गिरावट मैंने क्या बोला जल्द से जल्द रिकवरी लेगा इस गिरावट की, तो ये और यहाँ से वही हो रहा है। आप लोग देखोगे फिर से स्टॉक में एक अच्छी रैली बनी हुई है, ठीक है, और ये रैली आपको फिर से 135 के ऊपर में जाते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस दिखाना है, और क्वार्टर वन से पहले क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो आपको बताएंगे क्वार्टर वन से एक दिन पहले या फिर क्वार्टर वन वाले दिन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बात करें कल के इसके सपोर्ट को लेकर, तो कल के लिए जो सपोर्ट इसका बना हुआ है, कोई भी निवेशक फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोचेगा तो 125.55 का स्टॉप लॉस लेकर स्टॉक में एंट्री ले सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।